तपोवन जल आपदा को अब 17 दिन हो चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सर्चिंग टीम लगातार तपोवन के धौली गंगा बैराज स्थल पर पसरे टनों सिल्ट और मलबे और बोल्डरों के ढेर को स्टोन ब्लास्टिंग का उपयोग कर हटा रही है, ताकि जल्द बैराज साइट का मलबा साफ हो सके और धौली गंगा में आए मलबे को एक छोर तक साफ किया जा सके। मलबा साफ होने से नदी का प्रवाह अपनी जगह बना सकेगा, ताकि ऋषि गंगा से बढ़ने वाले जलस्तर का असर बैराज स्थल और इंटेक टनल में चल रहे रेस्क्यू कार्यों पर ना पड़े और बैराज में लापता लोगों के शवों को जल्द ढूंढा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, जोशीमठ।